नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में कल शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। राज्य के 199 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 7 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो जाने से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। 5 राज्यों का यह चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव की सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा रही है। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। बसपा को 3, नेशनल पीपल्स पार्टी को 4, नेशनल यूनियनिस्ट जमींदार पार्टी को 2 सीटें मिली थी। सभी पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 75 जनसभाएं की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 13 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्रियों ने राजस्थान में सभाएं की। योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे प्रमुख स्टार प्रचारक रहे। राजस्थान में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने करीब 73 जनसभाएं की और 1 दर्जन से ज़्यादा रोड शो किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बसपा सुप्रीमो मायावती, नवजोत सिंह सिद्धू सहित अन्य कई नेताओं ने लगातार चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान नेताओं ने हर वर्ग को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन सभी में दलित मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा भी है जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जहां बसपा ने 3 सीटें जीती थी, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इन चुनावों में SC ST का मुद्दा अगर चुनाव को प्रभावित करता है तो उसका फायदा बसपा को होगा। राजस्थान में दलित मतदाताओं की संख्या 16% है, जिस पर बसपा की नज़र है। 200 सीट वाली विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में कांग्रेस के साथ बसपा के गठबंधन की चर्चा हुई थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि कांग्रेस उन्हें कम सीटें देकर कमजोर करना चाह रही थी, इसलिए बसपा ने अकेले ही चुनाव में उतरने का फैसला किया। बसपा ने 190 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह होगा कि कल मतदाता किसके पक्ष में अपना मूड बनाते हैं, यह तो आने वाली 11 तारीख को साफ हो जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए राजस्थान से विपिन जोशी की खास रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।